गाइस टाइम देखिए, 3:01 बाकी है। आप कभी भी किसी भी बड़ी सिटी के अंदर आते हैं, क्योंकि बड़ी सिटी के अंदर, जो भी सऊदी अरब के अंदर बड़ी सिटी है उसके अंदर सबके अंदर ट्रैफिक चलता है, इतना ही ट्रैफिक रहता है जितना ये चल रहा है। देखिए ट्रैफिक रहता है, तो आपको क्या करना है, मैं जो टिप्स बताऊंगा आप उसको फॉलो करिए, आप इंशाल्लाह कभी भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। सबसे पहली बात, अपने जो बीच वाला सेंटर वाला ग्लास है, ये वाला सेंटर वाले ग्लास पे नज़र रखना है। वो क्यों रखना है, ताकि पीछे वाली गाड़ी का डिस्टेंस आपको मालूम पड़ सके, और आगे वाली जो गाड़ी है, जो हमारा आगे गाड़ी चल रही है, कभी भी सामने वाली जो गाड़ी जा रही है ना, उससे देखिए मैं कितना गैप बना के चल रहा हूँ। अगर स्लो चल रहा हूँ तो इतना गैप बना के चले, कभी साइड वाली गाड़ी जो आती है ये घुसते आएंगे, आप उन पर भी ध्यान रखें, और पीछे जो सेंटर वाला ग्लास है उस पर भी ध्यान रखें। अभी देखो मैं स्लो चल रहा हूँ, फिर भी मैंने डिस्टेंस बना रखा है, ये आपकी सेफ्टी के लिए डिस्टेंस। ये देखिए एकदम से गाड़ी रुकती हैंगी, आपको ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ तक गाड़ी पहुँच जाएगी, आपकी रुक जाएगी। अगर गाड़ी स्लो चल रही है तो इतना सा डिस्टेंस बना के रखिए आप। अब एकदम से आगे से जो ट्रैफिक खुलेगा तो गाड़ी एकदम से भागती है और फिर ट्रैफिक जाम होता है तो फिर ब्रेक लगाते हैं। तो आप अपना ये मेजरमेंट जमा के चलिए कि अगर इतना गैप रखें ताकि कोई इधर से गाड़ी घुसे तो एक गाड़ी अंदर आ जाए। अभी देखिए सामने ट्रैफिक जाम हो गया, फिर ब्रेक लग गया, और सेंटर वाले ग्लास पे जरूर से नज़र रखें। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं तो राइट वाले ग्लास पे भी नज़र रखें, क्योंकि पीछे से भी घुसते हैं ये लोग। तो ये है मलिक अब्दुल्ला रोड जिस पे मैं चल रहा हूँ। आप अपनी गाड़ी को ट्रैफिक में चला रहे हैं तो थोड़ा अपना सेफ्टी से और ध्यान से गाड़ी चलाएं, कभी भी इधर उधर ना घुसे, जो घुस रहा है घुसने दें उसको। हाँ, खाली अगर जगह पीछे दिख रही है आपको, पहले दोनों ग्लास पर नज़र डालें, तीनों ग्लास पर नज़र बनाए रखें, जैसी आपको खाली जगह दिखती है, खाली जगह दिखती है आप घुस जाएं। अभी देखिए गाड़ी फास्ट हो गई है, अभी आप सोचो कि मैं भी फास्ट भगाऊं उनके पीछे, आगे जाके फिर ब्रेक मार देंगे, तो इतना डिस्टेंस बना के चलिए। देखिए ब्रेक मार दिया ना, इतना डिस्टेंस बना के चलिए कि आपकी गाड़ी वहाँ तक जाने में रुक जाए। अभी देखिए सामने वापस जाम लग गया, अभी मेरे को उस पट्टी पे जाना है, तो मुझे पहले पीछे वाली गाड़ी को देखना पड़ेगा और इंडिकेटर देना पड़ेगा कि मुझे राइट में जाना है, ये इंडिकेटर दूंगा और फिर जाऊंगा। पहले एक पट्टी पे आए, फिर दूसरी पट्टी पे जाने के लिए फिर आप दोबारा देखें कि पीछे गाड़ी तो नहीं है, अभी मेरे पीछे गाड़ी आ रही है, और डिस्टेंस बना के रखें, ध्यान आगे भी रखें, साइड में भी रखें, और बीच वाले सेंटर वाले ग्लास पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मुझे आगे से राइट जाना है तो मुझे इस उस पट्टी पे जाना पड़ेगा। देखिए अभी खाली हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप एक पट्टी से दूसरी पट्टी बदल सकते हैं, एकदम से नहीं घुसने, क्योंकि एकदम से घुसेंगे आप तो उसके अंदर क्या है, आपका भी टाइम खराब होगा, सामने वाले का भी टाइम खराब होगा, गलती आपकी निकाली जाएगी, कफील आपके पैसे काटेगा। अभी देखिए कैसे घुसे, मैं इतना गैप बना के चल रहा हूँ इसलिए वो ऐसा घुस गया। अभी मुझे इधर जाना है तो मैं इधर का इंडिकेटर दूंगा, क्योंकि मुझे राइट जाना है। चीज बताता हूँ, देखिए यहाँ से थोड़ा हम ऊंचाई के ऊपर हैं, तो रियाद देखिए कैसा दिख रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा दिख रहा है पूरे, यानी वो जो तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है। छोटा सा व्लॉग बनाया था मैं, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था, तो हमारे जो नए भाई आते हैं, जो नए सऊदी अरब के अंदर आते हैं, तो ये वो खासकर उन लोगों के लिए, या कोई भी ड्राइवरी में आ रहा है, ये उन लोगों के लिए था थोड़ी सी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टेक केयर। ये साउथ यूनिवर्सिटी आया हूँ मैं भी लेने के लिए।